पूरी राजनीति पोस्टरों के जरिए ही होगी। अब जनता चाहती है और इसलिए जनता ने पोस्टर लगाया, मोदी हटाओ देश हटाओ। अब बीजेपी ने लगाया है कि चोर मचाया शोर, सारे चोर सब बीजेपी ने अपने अंदर ले लिए और शोर भी संसद के अंदर देख लो बीजेपी मचा रही है। तो मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो है वो बदले की राजनीति हो रही है। ये ईडी का जो कानून बनाया ना, उसमें जमानत का प्रावधान नहीं है। पूरी तरीके से एक मुद्दे पर, खास करके अडानी के मुद्दे को लेकर के एकजुट है। इस मुद्दे पर तो पूरा विपक्ष एक साथ, विपक्ष को जो है वो ईडी का, सीबीआई का और इनकम टैक्स का डर सता रहा है। इस डर की वजह से सारे के सारे जो है एक खेमे के नीचे आ गए। हिंदुस्तान का जो आवाम है, हिंदुस्तान की जो जनता है, आज बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है और अहंकारी सत्ता से त्रस्त है। जिस तरीके की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी आपकी बन गई, वो पकड़ हरियाणा में सुशील जी नजर नहीं आती। नजर तो हम दिल्ली में भी नहीं आते थे। अमृतपाल लगातार दिखाई देता है वीडियो में यहाँ वहाँ, लेकिन पकड़ से बाहर है। कि इतना बड़ा ऑपरेशन बिना एक गोली चलाए हुए, बिना कोई खून खराबा किए हुए किया। कि धर्म को लेकर के आज बंगाल जल रहा है, बिहार जल रहा है, सियासत सिर्फ अब धर्म के सहारे ही चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल धर्म और जाति के आधार पे 2024 के लिए देश को बांटना चाहती है। रूबरू में खास मुलाकात आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर।